हेलो गाइस, नमस्कार, जय जोहार। आज हम आपको लेके चलेंगे धरती के खूबसूरत जगह जहां आप कभी गए नहीं होंगे। आप हमारे वीडियो के माध्यम से उस जगह को देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लेके चलते हैं हम उस वाटरफॉल को, उस जगह को जो बस्तर की जान है, बस्तर की धरती में वो बसा हुआ है। वो जगह है जहाँ आप बस्तर आते हैं, तीरथगढ़ जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, लेकिन इस जगह बरसात में आएंगे तो उससे बेहतरीन जगह है। आपको चित्रकूट से भी बेहतरीन जगह यहाँ लगेगा आपको बारिश के समय में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस जगह, उस स्थान जहाँ आप देख रहे होंगे अभी वीडियो के माध्यम से। और आप लोग यहाँ आ चुके हैं तो कमेंट कीजिए मुझे कि कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ का इंजॉय लिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो दिखा सकूं। बस्तर में घूमने के लिए बहुत जगह हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और इस जगह है जो वाटरफॉल है यहाँ पे, वो आप यहाँ फुल एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, बच्चे भी यहाँ वाटरफॉल में नहा सकते हैं। आपको कोई प्रकार के यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला यहाँ पे। और यहाँ का जो सिटी है जगदलपुर से लगा हुआ है, आप संडे को किसी दिन भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप टाइम मिलता है तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, और वीडियो को आप देख रहे होंगे आप तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, झरना जो बह रहा है यहाँ पे, आप अपने फैमिली के साथ नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पानी बह रहा है यहाँ से, ऊपर से गिरते हुए जो झरना है, वाटरफॉल है, आप देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, मनमोहक लग रहा है। साथ में यहाँ जो स्पेस दिया है जगह नहाने के लिए बहुत बड़ा है, आप यहाँ नहा सकते हैं। देखिए पानी की आवाज़, यहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत सुंदर प्लेस है। जब मैं पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए मेरे यूट्यूब में वीडियो को डाल देता हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देख लें। तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। बारिश में पहाड़ों में जाना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में अपने फैमिली के साथ जाना और बेहतरीन लगता है। साथ यहाँ पे आके आप पिकनिक मना सकते हैं और यहाँ कुछ टाइम गुजार सकते हैं। अरे आराम से फिसल जाएगी पैर, क्योंकि सेफ्टी के तहत रहना है। और जो पत्थर होते हैं बहुत चिकना होते हैं, पैर इसमें फिसल जाते हैं। कूदना मत,
वहीं बैठे रहो चुपचाप, थोड़ा दूर आ जाओ, गिर जाओगे वहाँ से। बहुत सुंदर है, देखिए जो गिर रहे हैं वाटरफॉल झरना में। बहुत लोग नहाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, संडे के दिन काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, और यहाँ पे वाटरफॉल में नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ख़ास बात यह है, सिटी से लगा हुआ है जगदलपुर से, और यहाँ कैंटीन की भी व्यवस्था है, आप घर से भी खाना नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ महिला समिति द्वारा खाना बनाया जाते हैं, चाय पानी नाश्ता भी मिलता है, आप यहाँ आके चाय पानी नाश्ता का आनंद ले सकते हैं। और जब भी आना हो तो अपने साथ पीने का पानी जरूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, और नहाने के लिए तो बहुत बेहतरीन जगह है। आज तू है पानी पानी, दिल है सानी सानी, आ जाओ बेबी आ जाओ। चले अभी घर से तो ठंड लग रहा होगा, इसको नहाने के बहुत शौक है, मैं तो नहीं नहाए भाई, मैं मजा आ रहा है, फिर बिक गई तो क्या कही जाए, चले यहाँ से। ये चित्तधारा वाटरफॉल का टॉप है, देखिए ये टॉप है, यहीं से पानी जाता है नीचे की तरफ गिरता है, और पूरा लोकेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको।